हेलो दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रिएट पैल्थ विद अतुल में मैं हूं आपका दोस्त अतुल गोयल आज हम बात करेंगे अदानी विलमर्ग के बारे में ए डब्ल्यू एल जो ऊपर के लेवल से करेक्ट होता हुआ नजर आ रहा है लोअर सर्किट उसके अंदर लगते हुए नजर आ रहे हैं बट नीचे के लेवल से अच्छा मोमेंटम उसने दिखाया तो कहाँ तक ये नीचे आ सकता है किन लेवल पर हमें इस पर नज़र रखनी चाहिए उसके ऊपर हम बात करेंगे तो सबसे पहले देखिए जो शेयर था लगभग दो के आसपास जो काम कर रहा था डेली चार्ट ये मैंने लगा रखा है दो के आसपास जो शेयर था आठ फरवरी को वो पहुँचता हुआ नजर आया आप देख सकते हैं लगभग सिक्स थर्टी नाइन रुपीज़ तक सात अप्रैल तक सिक्स थर्टी नाइन रुपीज़ और अच्छा इसके अंदर मोमेंटम यहाँ से बनता हुआ नजर आया पहले भी अच्छा बाउंस बैक किया था और उसके बाद करेक्शन हुई और उसके बाद अगेन ऊपर जाता हुआ नजर आया तो हमने एक फिम लेवल इसके ऊपर लगा रखा है जिसके अंदर देखते हैं रिट्रेसमेंट लेवल क्या बनता है तो अभी जो ये शेयर रिट्रेस हुआ था ऊपर के लेवल से नीचे आप देखिए यहाँ से ऊपर गया था और नीचे फिर रिट्रेस हुआ और ये जो लो लेवल इसने बनाया था उसके ऊपर हम बात करते हैं कि यहाँ से जो पूरा का पूरा स्विंग इसने लिया है ऊपर तक तो वहाँ से कितना रिट्रेस ये हो चुका है और कितना रिट्रेस हो सकता है और पहले कितना रिट्रेस हुआ था उसके ऊपर भी हम बात करेंगे अभी जो स्टॉक है इस लेवल के आसपास काम कर रहा है जो कि बनता है फाइव के आसपास अगर बात करें थर्टी तक अगर ये स्टॉक रिट्रेस होता है तो जो लेवल निकल कर आते हैं वो है पांच सौ के आसपास के कि यहां पर स्टॉक आ सकता है और यहां से फिर बाउंस बैक कर सकता है ऊपर के लिए या फिर यहां पर थोड़ा सा कंसोलिडेट कर सकता है इस टाइप से और यहीं से फिर ऊपर जा सकता है बट अगर इस लेवल को ये ब्रेक करता है तो नेक्स्ट लेवल जो निकल कर आता है वो है 474, 476 के आसपास के लेवल जो कि 50 परसेंट रिट्रेसमेंट होगा नीचे के लेवल से पूरा स्विंग का और हो सकता है है, फिर यहां पर ये ऊपर जाता हुआ नजर आए बट अगर ऊपर जाता है तो इस इस लेवल को ये थोड़ा सा अब रेजिस्टेंस की तरह लेगा अगर इस लेवल को ब्रेक करके यहां पर आता है और फिर इसकी रेजिस्टेंस बनेगा और फिर ये ऊपर जाता हुआ नजर आएगा अगर इस लेवल को भी ये ब्रेक करता है तो जो गोल्डन लाइन मानी जाती है सिक्सटी के लेवल को वो बनता है फोर के आसपास का लेवल यानी स्टॉक अगर सभी लेवल्स को ब्रेक करता है और लोअर सर्किट में चलता है पहले इस लेवल को ब्रेक करता है अगेन इस लेवल को ब्रेक करता है तो इस लेवल तक ये आता हुआ नजर आ सकता है कि सिक्सटी जो है काफी स्ट्रॉन्ग माना जाता है और गोल्डन लाइन माना जाता है तो फोर फाइव थर्टी सिक्स के आसपास ये स्ट्रोक जो है नीचे आता हुआ नजर आ सकता है इन लेवल्स के ऊपर आपको नजर रख के चलना जरूरी है अगर हम बात करें पहले जो इसके अंदर रिट्रेसमेंट हुआ था वो किस लेवल तक रिट्रेसमेंट हुआ था उसको भी हम एक बार देख लेते हैं अब देखिए जो पहले का रिट्रेसमेंट था वो इस टाइप से आपको नजर आएगा यहाँ पर कि ये पूरा स्विंग हम ले रहे हैं यहाँ से जो स्विंग इसने बनाया था और आप देख सकते हैं फ्यूनासी लेवल हम इस पर लगा लेते हैं और यहाँ पर देखिए ये जो पूरा रिट्रेसमेंट था इसका यहाँ से लेके यहाँ तक इसने पूरा स्विंग लिया था और उसके बाद ये रिट्रेस होता हुआ नजर आया था तो आप देखेंगे यहाँ पर जो है आ, इस लेवल से इसने स्टार्ट किया था और यहाँ तक पहले ये पहुँचा था पूरा का पूरा ये स्विंग हमने लिया है और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये यह रिट्रेस हुआ था तो ये रिट्रेसमेंट आप देखिए पहले भी जो रिट्रेसमेंट हुआ है इसका वो 61.8 के लेवल के आसपास आकर ही बाउंस बैक हुआ था और पहले देखिए फिफ्टी के आसपास इसने अपने आप को होल्ड किया वहाँ पर दो तीन कैंडल बनी और एक कंसोलिडेट करने की ट्राई की जब इसे ब्रेक किया तो सिक्सटी के लेवल तक ये पहुँचता हुआ नजर आया और वहीं से फिर बाउंस बैक हुआ अच्छा खासा और फिर जो नेक्स्ट लेवल बना वो फिफ्टी के आसपास ही रिट्रेस हुआ तो चांसेज़ हैं कि ये फिफ्टी के आसपास तक रिट्रेस हो और उसके बाद फिर ये बाउंस बैक करे इन लेवल्स के ऊपर आप नजर रखिए कि पहले भी इसके अंदर करेक्शन हुई है और वो सिक्सटी वन पॉइंट एट के लेवल से पहले ही ये बाउंस बैक कर गया था तो इस बार भी हो सकता है कि ये इस लेवल से पहले ही बाउंस बैक कर जाए तो इन लेवल्स के ऊपर आपको नजर रखनी है जो मैंने आपको बताए और उसके बाद ये अगेन जो है अच्छा मोमेंटम का रहते हैं दानिश शेयर्स के ग्रुप जिस लेवल से नीचे आ रहे हैं उसी टाइप से ये बाउंस बैक भी करते हैं तो अगेन जो है ये सिक्स हंड्रेड को क्रॉस करता हुआ भी नजर आएगा थैंक यू धन्यवाद